ओहो, रोड की तारीफ करो नहीं कि यहाँ ऑफ रोडिंग आ जाती है। सो गाइज हम पहुंच चुके कैंप में और कैंप हेलो रारो दोस्तों और भाई लोगों कैसे हो। तो गाइज काफी टाइम बाद वापस से अपना ये चेहरा दिखा रहा हूँ। बीच में एक व्लॉग डाला था मैंने, मेरे को याद है, उसके लिए सॉरी गाइज। ये तो होता ही रहता है यार, तुम्हें पता है मैं बीच बीच में कुछ टाइम के लिए रेगुलर आता हूँ और उसके बाद फिर से गैप हो जाता हूँ। तो गाइज आज फिर से आया हूँ और एक नई ट्रिप स्टार्ट होने वाली है अपनी। ट्रिप तो क्या है, मतलब एक दो दिन का है बस। देखते हैं कहाँ जाना है, क्या जाना है, वो सब हम अभी फिलहाल के लिए सस्पेंस सस्पेंस खेलेंगे। कुछ नहीं बताऊंगा कि क्या सीन है क्या नहीं है। फिलहाल का सीन ऐसा है कि मेरे को अभी से आधा एक घंटे बाद मेरे को निकलना है। और पैकिंग का स्टेटस ये देखो, ये बैग है मेरा, नया लिया था मैंने, यही लेके जाता हूँ मैं अब। और ये सारे कपड़े उपड़े, ये कुछ गैजेट्स वैजेट्स है मेरे, ये सब फैला रखे हैं। इसमें कुछ कपड़े हैं और कुछ चीज़ें मैंने रख दी है इसमें, थोड़ी बहुत चीज़ें दिखनी दी होगी, ऐसे मैं दिखाता हूँ। हाँ ये देखो कुछ चीज़ें मैंने रख दी है। और क्योंकि ज़्यादा दिन का नहीं है इसलिए मैं लैपी वैपी लेके नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि इतना कंटेंट निकलेगा। और बाकी जितना भी होगा मैं फ़ोन से शूट कर लूँगा अगर इसमें स्पेस नहीं बचा तो, या फिर मैं फ़ोन में निकाल लूँगा अपना थोड़ा बहुत कंटेंट और जो भी हो गया एडजस्ट कर लेंगे वो सब चीज़ें। टाइम हो गया है 11:30। सो गाइज मैं पैकिंग स्टार्ट करता हूँ, ये सब निपटाते हैं चीज़ें अपनी आधी मैंने चार्जिंग पे लगा रखी है। कुछ बैटरीज वैटरीज है, पावर बैंक्स है, वो सब चार्जिंग पे लगा रखे हैं। कुछ चीज़ें यहीं पे पड़ी है उनको भी चार्जिंग पे लगाना है, वो सब लगाते हैं और निकलते हैं फिर। सो गाइस अब मैं पैकिंग निपटाता हूँ, नहाता हूँ धोता तैयार होता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको। सो गाइस मेरा दोस्त आया था मेरे को छोड़ने के लिए, ये छोड़ेगा मेरे को बुद्धा पार्क तक। चलो सो गाइस अपनी ये ट्रिप स्टार्ट हो गई है। अब पहले ये मेरे को बुद्धा पार्क छोड़ेगा, उसके बाद वहाँ पे से बाकी के जो बंदे हैं जो आने वाले मेरे साथ उन सब से मिलवाता हूँ तुम्हें और निकलते फिर गुरुद्वारा से मिलते फिर। तो गाइस चीनू आ चुका है और दो बंदे और अपने साथ के, वो भी आ रहे हैं अभी। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं तेल डलवाने के लिए, इसमें तेल वेल करवाते फुल, उसके बाद निकलते फिर यहाँ से। तो गाइस हम आ चुके हैं फ्यूल पम्प में, आप देख सकते हो यहाँ पे जल्दी जल्दी से फुल करवाते हैं। और ये चीनू भाई ला रखा है किसी की गाड़ी, उससे जा रहे हैं फ्यूल अप करवाते, जल्दी से फुल करवाएंगे और फिर सीधे निकलेंगे हम। गोल्डी भाई और वेट कर रहे हैं हमारा, उनका कॉल आ गया। हाँ देखो उन्हीं का ही कॉल आ रहा है, बात करता हूँ मैं फिर मिलता हूँ। निकल चुके हैं गाइस हम यहाँ से और रास्ता ये हमें मतलब ये लगाओ कोटद्वार से और जिस लोकेशन पे हम जा रहे हैं वहाँ तक कुछ 40 किलोमीटर फालतू है, लेकिन ये नया रास्ता है जो कि एक्सप्लोर्ड है बंदों से। बहुत सारे बंदे जानते भी नहीं होंगे शायद इस रास्ते के बारे में और हम इस रास्ते से जाएंगे। गाइस यहाँ पे देखो कितना भयंकर सा एक्सीडेंट हो रखा है यार, गाड़ी नीचे घुस गई है इस रोड पे यार। आज कसम से इतनी देर में हम दुगड्डा पहुँच जाते हैं, लेकिन इतना ट्रैफिक हो रखा है ना इस रोड पे आज। एक तो संडे, ऊपर से यहाँ पे रोड बन रही है तो यहाँ जगह जगह पे डंपर्स ये सब चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है लगातार, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है। सो गाइस दुगड्डा पहुँचते हैं फिर रिवील करते हैं आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं दुर्गा देवी पे, लेकिन आप ये देखो यार जाम देखो गाइस, यहाँ कितना ट्रैफिक हो। या तो सुबह सुबह निकल जाना चाहिए था तब ज़्यादा सही रहता है। यहाँ ट्रैफिक चेक करो गाइस एक बारी, पूरा का पूरा ऊपर वहाँ तक पूरे वो बना हुआ है, लाइन लगी पड़ी है। हमें लगा था हमें इधर ट्रैफिक नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ लिटरली यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है यार। और इस गाड़ी का डोर देखो, इस गाड़ी का डोर ही टूटा हुआ है यार, घंटी कैसे लटकी हुई है वहाँ से। लोग कैसी कैसी गाड़ियों में भयंकर जा रहे इधर उधर सारे इसके लेके। सो गाइस फाइनली वहाँ से आगे निकल चुके हैं यार, दुगड्डा तक पूरा वैसे ही ट्रैफिक था। अब हम दुगड्डा से आ चुके हैं डाडा मंडी वाली रोड पे। और गाइस मैं आपको अब बता ही देता हूँ यार, हम जा रहे हैं ऋषिकेश। भाई ये रास्ता मैंने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ अभी तक ऋषिकेश का। अब हमने सोचा यार ये थोड़ा फालतू तो है हमारे, मतलब थोड़ा फेर का रास्ता है, 30 या 40 किलोमीटर फेर है, ज़्यादा लंबा पड़ेगा हमें। लेकिन ये रास्ता बहुतों ने देखा भी नहीं है और काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो कोटद्वार से ये जानते ही नहीं होंगे कि भाई ये वाला रास्ता भी है। तो मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को भी अभी रिसेंटली पता चला है कि एक रास्ता इधर से भी जाता है ऋषिकेश का। तो मैंने कहा चलो यार इसे एक्सप्लोर करते। भाई ये रास्ता एक टाइम पर इतना बेकार था और अब इस रास्ते को एक बार चेक करो यार, लिटरली भाई बहुत बढ़िया हो गया है। बीच बीच में थोड़े बहुत ऐसे ऐसे पैचेस है, बट जैसा पहले था ना खड़बड़ 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 वाला रास्ता, उससे तो भाई बहुत सही हो गया। और हमारा डिसीजन मेरे को लग रहा है, अभी तक मेरे को लग रहा था कि यार हम गलती करी हमने कि इस रास्ते आगे, क्योंकि वहाँ पे जो इतना रश देखा हमने उसकी वजह से। बट अब जैसे खाली मिल रही है ना रोड, और रोड भी अच्छी हो गई है, तो मज़ा आ रहा है इसमें चलाने में।
अपन लोग पहुंच चुके हैं डाटा मंडी वाली रोड पे, और यहीं से नीचे है जहाँ पे जो मेले के लिए रास्ता जाता है ना, यहाँ थोड़ा सा आगे है, वहाँ से नीचे जाते हैं। और ये रहा देखो, यहाँ से इस तरफ से रास्ता, यहाँ नीचे नदी, नदी से जाता है ये वाला रास्ता, यहाँ से सीधा उधर। तो गाइस यही होता है मेला। तो अभी हम वेट कर रहे हैं गोल्डी भाई औरों का, वो भी आते हैं, फिर उसके बाद साथ में निकलेंगे यहाँ से। क्योंकि अकेले अकेले यार मज़ा नहीं आ रहा, साथ में रेस करते हुए जाएंगे वो। उत्तम सूद भाई, रास्ता बहुत प्यारा है ये वाला, सही में बता रहा हूँ। अब निकलते हैं यहाँ से, गोल्डी भाई और आगे निकल गए, हम चलते हैं पीछे पीछे से। बस यहाँ पे थोड़ा ना इसका डर है यार, ये जो साइड में घास वास पड़ी रहती है ना, इस घास में ना टायर फिसलते हैं, तो ज़्यादा किनारे नहीं ले जा सकता मैं इस वजह से। बाकी तो रोड तो भाई बहुत प्यारी है, आप देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी रोड है। और सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हम कांडा खाल। हमें जितना टाइम लगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें वहीं लगा है कोटद्वार से और दुगड्डा आने में, क्योंकि यार वहाँ पे तुमने देखा कितना ट्रैफिक हो रखा था। लेकिन यहाँ तो यार हम बहुत जल्दी पहुँच गए कांडा खाल, मतलब दुगड्डा से कांडा खाल हमने मुश्किल से आधे घंटे में टिका दी होगी। और गोल्डी भाई और पीछे से आ रहे हैं, हम निकलते हैं अब आगे। सो गाइस चेक करते रहना ये रूट, और तुम भी ट्राई करना, बहुत मजा आएंगे तुम इस वाले रूट पे। मात्र 20 मिनट में पौखाल लगा दिया हमने, कांडा खाल से पहले रुके थे हम 5-10 किलोमीटर पहले, और पौखाल आ चुके हम। ठीक 2:30 बज रहे हैं अभी, 1 बजे घर से निकले थे, और अराउंड 1.5 घंटे के अराउंड में हमने पौखाल टच कर दिया है, पहुँच गए पौखाल में। अब देखते हैं यहीं कहीं रुकते हैं थोड़ा सा, और भाई का वेट करते हैं, गोल्डी भाई और आएंगे तब उनके साथ निकलेंगे फिर आगे। ये रहा देखो गाइस, ये है पौखाल का मार्केट, काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ियों को नहीं पता होगा। देखते कहीं पे छाव वाव होगी, वहाँ रोकेंगे। पानी भी ख़त्म हो गया यार, हमारा पानी भरना है पहले तो। चिनू यार यहाँ कहीं पानी वानी का देखेंगे यार, लैंकर ये खाली हो गया, कहीं छाव में रोकता हूँ, याद है मेरेगा। सो गाइस यहाँ से ज़रा पानी वानी भरते हैं, ला दे रुक जा इसे ख़त्म कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ से पानी वानी भर लिया, पानी पी लिया, गोल्डी भाई और आगे निकल गए। हाँ अब दो रास्ते, लक्ष्मण झूला वाला रास्ता इधर से जाएगा और महावगढ़ यहाँ है, तो किधर जाना है, इधर जाना है कि आगे से भी होगा एक, तो इधर से चलते ना जो बोर्ड है ना। सो गाइस ये जाता है महावगढ़ के लिए और ये वाला जाएगा लक्ष्मण झूला। अब हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे वाले रास्ते पे, लेट्स गो। अब देखते हैं यहाँ से हमें कितना टाइम लगता है, देखते गाइस ये वाला रास्ता कैसा रहता है, क्या आता है, मज़े आते कि नहीं आते, तुम्हें यहाँ से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, रास्ता इस हिसाब से है कि नहीं। अगर रास्ता हुआ बढ़िया एकदम मज़ेदार ऐसे ही, जैसे हम ऑफ रोडिंग कम से कम होनी चाहिए, और एक्सप्लोरेबल रास्ता होगा तो ज़्यादा बढ़िया है। तो गाइस रोड तो अभी तक तो काफ़ी अच्छी मिली हमें, ये दो बंदे अपने जा रहे हैं आगे, गोल्डी भाई और गोल्डी भाई का दोस्त। और यहाँ देखो भाई लेफ्ट साइड पे जो व्यू आ रहा है ना, देखते हैं कहीं पे अगर हाँ उधर आगे से जब रोड पे आएंगे हम उस साइड से दिखाऊंगा आपको व्यू। और ये देखो गाइस ऐसा लग रहा पूरा गाँव आ चुका हूँ मैं, मेरा गाँव भी कुछ इसी तरीके का है, हर जगह छोटे छोटे गाँव बसे हुए, घर वर है, ओल्ड स्कूल वाले जो घर होते हैं उस टाइप के। तो गाइस रास्ते में हमें कुछ ये ऐसा सा लगा है, तो हम यहाँ पर रुक गए, सोचा थोड़ा पानी वानी पी लेंगे। और ये तो सीढ़ी गायब है भाई, क्या तगड़ा व्यू आ रहा है यहाँ से, काफ़ी सही है। वहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पे गाँव वाँव है, बाकी कुछ तो है नहीं यहाँ देखने के लिए। पानी वानी पीते हैं और अबे रुक जा, सो गाइस निकल चुके हैं फिर वापस से यहाँ से, यहाँ से बचा है ऋषिकेश हमारा 67 किलोमीटर, पहुँच जाएंगे 1 घंटे में या 1.5 घंटे ज़्यादा आराम आराम से, भी अगर कहीं पे रुक रुक के भी चले 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे ऋषिकेश में, दिखा रहा है जाम, उससे पहले नहीं है शिवपुरी तक तो नहीं है जाम, यहाँ से हम ऊपर वाली साइड निकलेंगे ऋषिकेश के जो शिवपुरी वाला साइड है। गोल्डी भाई और आगे चले गए, मैं थोड़ा बैटरी चेंज कर रहा था गोप्रो की, डाउन हो गई थी फर्स्ट बैटरी तो सेकेंड लगाई है। सो गाइस एक प्यारा सा गाँव आया है रास्ते में, उगार करके नाम है, और यहाँ से कुछ 61 किलोमीटर और होगा, 60 या फिर 62 किलोमीटर्स के अराउंड, काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे को तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। और अभी तक का एक्सपीरियंस हमारा ऐसा रहा है कि रोड हमें ज़्यादा, रोड ने ज़्यादा दिक्कत करी नहीं है, काफ़ी अच्छी रोड थी, मतलब ये लगाओ आप महावगढ़ के जो
रास्ता है ना जहाँ से महावगढ़ के लिए कटते हैं और एक दूसरा जो यहाँ के लिए आती है, वहाँ तक तो एक नंबर रोड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ऐसे मतलब पुरानी रोड आ जाती है, तो पुरानी रोड आपको बताया थोड़ा बहुत उसमें पत्थर वत्थर ये सब चीज़ें और बजरी वजरी थोड़ा बहुत हल्की फुल्की रहती है, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, काफ़ी अच्छी स्पीड से जा रहे हैं हम लोग और स्पीड मेंटेन करके रखी हुई है। बाकी तो मौसम आप देख सकते हो, थोड़ी यहाँ पे क्या है कि थोड़ा धूप हो रही है क्योंकि इस उधर वाली साइड काफ़ी अच्छे थे, पेड़ पौधे थे, तो हमें धूप धूप लगी नहीं। इस साइड थोड़ी बहुत धूप लग रही है, इतनी कुछ खास नहीं है, बट क्योंकि शाम का टाइम होने वाला है, 3-1 बज गए होंगे, 3:10 तक हो ही गए होंगे टाइम। बाकी सही चल रहा है अभी रूट, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में भी, देखते हैं कितनी जल्दी पहुँच पाते हैं और कितना टाइम लगता है, हमें कवर अप करते हैं कितनी जल्दी करते हैं ये वाला रूट। अब कहना चाहूँगा यार गाइस, अगर आपको ऐसे लीन वीन पसंद है ना कि लीन्स करने रोड पे और इन सब चीज़ों में मज़ा आता है, राइडिंग में मज़ा आता है, तो आप ये ज़रूर से इस रास्ते आना। लेकिन आपको ये कि यार बस जाना है और घूमना है, राइडिंग वाइडिंग से कोई मतलब नहीं है, आपके लिए रूट नहीं है, आपको बहुत लंबा पड़ेगा कोटद्वार से अगर कोई जा रहा है तो। बाकियों के लिए तो भाई, राइडिंग वाले बंदों के लिए तो भाई बहुत ही एक्सप्लोरेबल वाला रूट है, मज़ेदार रूट है, घूमने फिरने वाला रूट है, मज़ेदार है, ट्राई कर सकते हो इस रूट को एक ना एक बारी। सो गाइस, यहाँ से कुछ 85 किलोमीटर रह रखा है और ये छोटा सा पैच आया है अभी यहाँ पे ऑफ रोडिंग का। अब थोड़ा थकान लगने लग गई है क्योंकि अराउंड 2 घंटे ढाई घंटे से ऊपर हो चुके हैं मैं गाड़ी चलाते हुए, शायद 3 घंटे हो चुके हो, टाइम का पता नहीं चलता यार। तो राइड करते हुए तो अब थोड़ी सी हल्की फुल्की थकान लग रही है क्योंकि थोड़ा यार ये रोड ने देख रहे हो, अब यहाँ पे थोड़ी ऑफ रोडिंग सी आने लग गई है, छोटी मोटी ऑफ रोडिंग की वजह से हल्की फुल्की अभी थकान स्टार्ट हो गई है क्योंकि रेस दो ब्रेक मारो, रेस दो ब्रेक मारो, यही चल रहा है। सो नहीं तो बाकी तो ऑल सेट है, अभी देखते हैं यहाँ से 50 किलोमीटर रह रखा, 25 और खींचते हैं, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और देन नेक्स्ट स्टॉप सीधा ऋषिकेश। भाई ये चेक करो यार, क्या तगड़ी रोड आ गई है, माँ कसम, उतनी देर से ऑफ रोडिंग कर रहे थे, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग पे जा रहा था, बट अब रोड देखो यार, क्या प्यारी रोड आ चुकी है, मज़ा आ रहा है कसम से चलाने में। मतलब ये लगाओ जितना टाइम हमें पहले 1 किलोमीटर नापने पे लगता था, हमने 2 किलोमीटर में उतना टाइम में नाप दिया भाई, मज़ा आ रहा, सही रोड आ गई है और व्यू बहुत तगड़ा भाई इस तरफ। अब तो मेरे को लग रहा है अगर ऐसी रोड रही वहाँ तक तो मैं और जल्दी, ओहो रोड की तारीफ करो नहीं कि यहाँ ऑफ रोडिंग आ जाती है। सो गाइस, यहाँ यमकेश्वर पे रुके हुए थे हम, यहाँ से कुछ 41 किलोमीटर पड़ा हुआ है और यह देखो यार आगे कितना प्यारा व्यू है, भयंकर। बस पानी भी ख़त्म हो गया यार हमारा तो, भयंकर पानी पीने के लिए रुके हुए थे, पानी ख़त्म हो गया, ये अकेले अकेले सूत गए। अब चलते फिर यहाँ से आगे, पेड़ पे ही आग लग गई। सो गाइस, यहाँ से बचा है ऋषिकेश कुछ तुम्हारा 31 किलोमीटर और नीलकंठ है यहाँ से 7, देखते हैं नीलकंठ जाते कि नहीं जाते, नीलकंठ महादेव। फिलहाल तो यहाँ भाई ब्रेकर ही ब्रेकर है, अंधे ब्रेकर है यहाँ, ये देखो एक और आ गया। तो गाइस, जिस हिसाब से यहाँ पे रश हो रहा है ना, वो सब देख के लग ही रहा होगा कि हम ऋषिकेश के काफ़ी करीब आ चुके हैं, 20 किलोमीटर बचा होगा शायद ऋषिकेश यहाँ से, ज़्यादा नहीं है, लेकिन रश अभी से दिखने लग गया है, तो ऋषिकेश में पता नहीं क्या हालत होगी। यहाँ ये ऐसी भीड़ हो रही है, तो अभी तो भाई इतनी सारी नहीं भी लगाओगे, हमने पूरे रास्ते में जितनी गाड़ियाँ नहीं देखी होगी ना, उससे ज़्यादा गाड़ी हमने जस्ट ऋषिकेश के मतलब ये 5-1 किलोमीटर के अंदर अंदर देख ली, इतनी सारी गाड़ियाँ जो कि क्रॉस करके हमें ऊपर की साइड गई है। सो ऋषिकेश ज़्यादा दूर है नहीं, जल्दी पहुँच जाएंगे, उसके बाद रूम पे जाएंगे सीधा, वहाँ से फ्रेश फ्रेश होके फिर निकलेंगे हम घूमने के लिए, या फिर पहले घूम भी सकते हैं वापस से रूम पे हम थोड़ा देर में जाए। फिलहाल तो यार यहाँ बहुत ऑफ रोडिंग सा माहौल हो रखा है, रास्ता बहुत कच्चा है और ऊपर से धूल धूल हो रखी है पूरी, धूल पे धूल उड़ी जा रही है, देख रहे हो गाइस इतनी सारी गाड़ियाँ लाइन बाय लाइन और सारी एचआर नंबर है, दिल्ली नंबर है, सारे के सारे टूरिस्ट हैं, तो आपको ये देख के तो पता चल ही गया होगा यार ऋषिकेश ज़्यादा दूर है नहीं। सो गाइस, क्रॉस करते जल्दी से यहाँ से और मिलते फिर ऋषिकेश में। बस ऋषिकेश पहुँच ही चुके हैं, थोड़ा सा बचा है, आप देख सकते हो नीचे जिस हिसाब से रिजॉर्ट बने हुए ना यहाँ पूरे एरिया में, वहाँ नीचे पूरे रिजॉर्ट बने हुए, होटल्स बने हुए,
वो देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम ऑलमोस्ट ऋषिकेश पहुँच ही चुके हैं। बस गोल्डी भाई और का वेट कर रहे हैं, यहाँ से होटल की लोकेशन मांगते हैं और उसके बाद सीधा होटल जाते हैं यार। सबसे पहले थोड़ी कमर उमर सीध कर ले। गाइस ये देखो आगे राफ्टिंग हो रही है अपने वहाँ पे। फ़ोन से क्लिक करता हूँ एक बारी वीडियो और तब दिखाता हूँ आप लोगों को। गाइस पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट ऋषिकेश, यहाँ से है कुछ 14 किलोमीटर। और ये देखो गाइस कल हम भी ऐसी एक राफ्ट में बैठे रहेंगे राफ्टिंग के लिए, और हमारी भी राफ्ट इसी तरीके से आएगी। और बस यार काफ़ी थक चुके हैं, हमने बहुत ही लंबा रूट पकड़ लिया, देखो कैसे इसी पे आएंगे हम, वैसे राफ्टिंग में राफ्टिंग करते हुए आएंगे। सेम अपना भी ऐसी रहेगी, छत के ऊपर राफ्ट, उसके बाद चप्पू 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 चलो। फिलहाल ये सीन है यार कि अपना जो कैंप है वो शिवपुरी में है, मतलब शिवपुरी काफ़ी ऊपर हुआ, मेन जो ऋषिकेश का मार्केट है वहाँ से 11 किलोमीटर के अराउंड दूर है। और यहाँ देखिएगा इस नीचे राफ्टिंग हो रही है, ये बोट्स ही बोट्स है यार इस टाइम पे, टूरिस्ट ही टूरिस्ट है भाई। मैंने इतनी गाड़ी, मतलब ये दिखाओ कि कोटद्वार की बहुत कम गाड़ी, ओ कोटद्वार बोल रहा हूँ मैं, यहाँ उत्तराखंड की बहुत कम गाड़ी है, पर उससे ज़्यादा भयंकर टूरिस्ट की गाड़ी है। यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, सो मैं तो बोल रहा हूँ अवॉइड ही करना थोड़ा आना। और बाकी सीन ऐसा है कि भाई बहुत सही सीन है यहाँ, बहुत सारे क्राउड काफ़ी ज़्यादा है तो फन भी उस हिसाब से होगा। बाकी अभी फ़िलहाल हम सीधा कैंप ही जा रहे हैं, पहले यहाँ से मेन ऋषिकेश तो पहुँचे, ऋषिकेश भी यहाँ से 14 किलोमीटर था, तो उसके बाद हमारा जो है वो आएगा, ये देखिए ऐसे जाएगी अपनी बोट भी किसी एक राफ्ट में, तो मैक्स वैक्स में रख के और पीछे बंदे बैठाए रहे होंगे राफ्टिंग के लिए। भाई बंदे बहुत एक्साइटेड है, लिटरली बहुत एक्साइटेड है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, फर्स्ट टाइम राफ्टिंग करूँगा। बाकी अभी देखते हैं ऋषिकेश में क्या क्या है घूमने लायक, और इतना कुछ मैंने रिसर्च करी नहीं यार, मैं थोड़ा बिजी था मेरी बहन की सगाई के चक्कर में। सो लेट्स सी गाइस क्या फ़न होता है कल, और अभी देखते हैं आज क्या फ़न होता है। मेन बात तो वो है आज जो फ़न होगा उसमें देखो फोकस करना। लेट्स सी निकलते यार जल्दी, ओ चेक करो यार नीचे राफ्टिंग हो रही है फुल, और ये पुल चेक करो गाइस बहुत क्रेजी सा है, और ये लाइटें चेक करो भाई यहाँ की क्रेजी है भाई, क्रेजी सीन है। लेट्स सी गाइस वापस से एनर्जी आ चुकी है, फुल चार्ज अप हो चुके हैं, बस एक चाय मिल जाए ना तो चाय हमारे लिए गाइस रेड बुल का काम करती है एक नंबर। अब मिले भाई अच्छे रास्ते, मज़ा आ गया इतनी चौड़ी रोड और अच्छे रास्ते देख के। अरे ऋषिकेश तो नीचे है, अब बताओ पहले सीधा वहाँ जाना है? हाँ भाई तो नहीं, यार है ना, चलो ठीक है फिर, चलो 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 लेट्स गो। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ शिवपुरी में, और यहाँ से काफ़ी क्लोज है अपना जो कैंप है, और थोड़ा सा ही बचा है बस, थोड़ा ऑफ रोडिंग निपट जाए उसके बाद अपने कैंप पे पहुंच जाएंगे हम। थोड़ा ऑफ बीट इलाके में अपना कैंप, उसका रीज़न ये है कि ज़्यादा सही रहेगा यार, थोड़ा शांति रहेगी, मार्केट से ज़्यादा शांति मिलेगी हमें यहाँ, बाकी देखते हैं। पर भाई यार इस बंदे ने कहाँ जंगल में खोला हुआ है यार कैंप, इस बंदे ने कहाँ कैंप खोला हुआ है यार जंगल में, शांति तो यहाँ खोल देते यहाँ भी मिल जाती यार, इतना आगे खोलने की क्या ज़रूरत थी, मार्केट से 11 किलोमीटर दूर है, मतलब अगर हमें रात को घूमने का मन हुआ तो हम 11 किलोमीटर दूर जाएंगे। सो गाइस हम कैंप के काफ़ी पास है और यहीं पर रुकेंगे हम थोड़ी देर के लिए। सो गाइस यहाँ से हमारा कैंप कुछ 2-1 किलोमीटर पड़ा हुआ है, और ये देखो नीचे गाइस ये ऋषिकेश शिवपुरी में है, और यहाँ बोटिंग हो रही है इस साइड गंगा माँ, हर हर गंगे। सो गाइस पहुंच चुके हैं यहाँ, और यहाँ तो भाई बंदर ही बंदर है यार ऋषिकेश में। भाई मैंने एक चीज देखी, यहाँ बंदर बहुत है यार, बंदर और लंगूर भयंकर भरे पड़े हैं भाई। ये चेक करो यार रास्ता चेक करो, और आगे का व्यू चेक करो एक बारी भाई, यहाँ तो गंदा ही खनन चल रहा है यार, बन क्या रहा है यहाँ पे, टनल बन रही है क्या? तो गाइस ऑलमोस्ट यहाँ पहुंच चुके हैं, यहाँ से नीचे है रास्ता कुछ इस तरफ है जाना कहाँ है ये पता ही नहीं है किसी को। अबे ये इधर स्विमिंग पूल यही वाला है। ओह लिटरली थक चुके हैं यार काफी ज्यादा, अभी ज्यादा थक चुके हैं।
और यार रास्ता देखो भाई, इतना बिहड़ में बना रखा इसने कैंप यार, हद है, गांव के बीच में कहीं। सो गाइस कैंप पे तो पहुंच चुके हैं, थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो लेते हैं, शक्ल सुधारते, उसके बाद आपको कैंप का टूर करवाता हूँ, कैसा है कैसा नहीं है, रूम्स भी चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या सीन है क्या नहीं है। चलो देखते हैं, मिलता हूँ फिर आपको फ्रेश फ्रेश होने के बाद। सो गाइज हम पहुँच चुके हैं कैंप में, और कैंप का नज़ारे कुछ ऐसे कि यहाँ पे देखो स्विमिंग पूल में बंदे अपने नहा रहे हैं, और ये कुछ इस तरीके से कैंप अपना, ये पूरे यहाँ से इधर से कैंप है, और यहीं पे अपना रूम है बगल में। सो गाइज अभी हम मस्ती वस्ती करते हैं, पूल में ले जाते हैं आप लोगों को भी, और अभी थोड़ा रिफ्रेशमेंट में थोड़ा रूब्स वूब्स पिया हमने बस, बाकी थोड़ी थकान वकान मिटाते हैं यार, पूल में कूदते हैं मज़े करते हैं, और कैंप अच्छे से आपको कैंप भी दिखाएंगे, अभी ऋषिकेश भी जाएंगे, लक्ष्मण झूला राम झूला पूरा दिखाएंगे आपको, लेट्स सी क्या होता है, निकलते हैं भाई पूल में कूदते हैं हम भी। सो गाइज हम नहा धो के अभी फ्रेश हो चुके हैं, स्विमिंग पूल से बाहर आ गए, अब चेंज कर लिया वापस से, वही आउटफिट पहन लिया मैंने जो कि पहले पहना हुआ था। और गाइज ये कुछ अपने यहाँ पे कैंप से, ठीक है ये वाला कैंप हमारा है, अंदर से नहीं दिखा रहा क्योंकि बहुत गंदा करा हुआ है लॉन्डो ने, और यहाँ देखो ये बैडमिंटन खेल रहे दोनों बंदे भाई, फुल इंजॉयमेंट चल रहा है। सो गाइज बाकी अभी आपको इधर उधर घुमाते हैं थोड़ा, यहाँ पे कैंप में और दिखाते हैं बाकी अंदर भाई, जैसे ही आया लॉन्डो ने जो मट्टी पलीत करी अंदर, रात को दिखाऊंगा आपको कैसा सीन था वहाँ पे का। बाकी इस साइड देख सकते हो बाकी के कैंप से, और बंदर बहुत है यार यहाँ, एक चीज़ मैंने नोटिस करी, यहाँ देखो यहाँ पे भी बंदर है, यहाँ पे भी बंदर है, और इधर भी कुछ बंदर बैठे हुए, बहुत सारे बंदर है यार यहाँ। बाकी उस साइड सनसेट हो रहा है, काफ़ी अच्छा सा व्यू हो रहा है, और यहाँ देखो आउट है, आउट है, आउट है चीनो, आउट है, आउट है भाई, आउट है, मेरी बारी है ओए, चिरू मेरी बारी है, तू तो नहीं खेलेगा हट भाई, मैं क्यों नहीं खेलूंगा, सामने टिकेंगे बच्चे आज के। सो गाइस थोड़ी देर हम यहाँ पे फन वन करते, थोड़ा गेम वेम खेलते मजे करते, और आप लोगों को फिर उसके बाद नीचे मिलते जब नीचे जाएंगे। बाकी आपने कैंप साइट देख ही ली है, ये वाला अपना कैंप है, यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर और वो सब, अगर भाई ने हमें अच्छा खासा डिस्काउंट दिया तो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी सीन यही है, एंजॉय करते हैं मज़े करते हैं, और फिर मिलता हूँ मैं आपको बाद में। तो गाइस अभी कैंप से हम बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, थोड़े ऋषिकेश जाते हैं जरा लक्ष्मण झूला लक्ष्मण झूला घूम के, उसके बाद आएंगे वापस, और आपको मैं यहाँ पर थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। ये देखो गाइस एक बार चेकआउट करो, पूरे कैंप जगमग जगमग होने लग गए, रात को मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से दिखेगा, अभी यहाँ पर अच्छे से दिख नहीं रहा है, लाइट वाइट 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 लाइट लाइट लाइट। तो निकलते फिर यहाँ से, चलो यार। सो गाइज अभी पहले गाड़ी लेके गाड़ी उठाते हैं ऊपर से, और उसके बाद थोड़ा मार्केट वार्केट घूमेंगे, थोड़ा लक्ष्मण झूला ये सब चीज़ें विजिट करेंगे, उसके बाद फिर वापस आएंगे कैंप में, और खाना खा के फिर कल सुबह राफ्टिंग के लिए तैयार रहना गाइज, बहुत फन होने वाला है, और पहुँचते फिर गाड़ी के पास पहुँचते, शायद रात को क्रिकेट भी खेले, हमारे भाई अलग ही कीड़ा काट रहा है भाई कि रात को क्रिकेट खेलना है बंदों को, तो लेट्स सी क्या होता है गाड़ी। सो गाइस निकल चुके हम वापस से यहाँ से, और अभी कैंप से निकल के जा रहे हैं ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला घूमेंगे, और आरती तो भाई हमने मिस कर दिया ऐसा मुझे लग रहा है, भाई और भी आ रहे पीछे से, और मैं उसी निकल के आ गया यार। यहाँ का बस एक चीज़ है, ये देखो भाई ये भाई चेक करो यहाँ का माहौल, कैंप्स ही कैंप्स है, हर जगह कैंप्स है, पूरा नीचे कैंप्स। सो गाइस आई थिंक हम राम पहुंच गए, और यहाँ से उसकी एंट्रेंस है, चेक करो गाइस।
भाई लॉन्डो कुछ रास्ते वास्ते पता नहीं है, गूगल मैप के सारे बस भटकने पे लगे हुए इधर से उधर। यहाँ देखो ये हमारे गाइड साहब है बैंकर, जिनको रास्ते भी नहीं पता, ये जा रहे ना आगे, ये इन्होंने मैप लगा रखा है, इन्हें रास्ते भी पता नहीं है, बस भटका रहे इधर से उधर की भाई हाँ ये ठीक है, ये यहाँ आ गए, ये आ गए, पता नहीं कहाँ कहाँ गलियों गलियों में भटक रहे इधर से उधर। तो गाइस फाइनली त्रिवेणी घाट आई चुके हैं, पूरा ऋषिकेश घूम के पूरा भटक भटक के भाई अब जाके फाइनली पहुंच पाए हम, उतनी देर से बस भटक रहे इधर से उधर। गूगल मैप ने कसम से मत्था पलीद करी हुई है, ऐसा सिर दर्द हो रहा है ना मेरा घूम घूम के यहाँ ऐसी। अभी पार्क कर रहे हैं पे गाड़ी, गाड़ी पार्क करने के बाद निकलते फिर अंदर देख के आते हैं क्या क्या सीन है। So guys, finally हम आ चुके हैं यहाँ पे गंगा घाट पे, और ये त्रिवेणी घाट है, ये देख रहे हो भाई, इसका ये जल ही नहीं रहा भाई, ये बहुत बड़ा वाला पापी है इसलिए नहीं जल रहा इसका। So guys हमने ये ले लिया और अब करते हैं पूजा स्टार्ट, करते हैं थोड़ी पूजा, गंगा माँ की पूजा वूजा करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं वापस। और भाई बहुत दूर है यार हमारा रूम यहाँ से, नहीं भी तो 11-12 किलोमीटर से ज्यादा है ना हमारा, 15-16 भाई 15-16 किलोमीटर दूर है हमारा रूम यहाँ से, त्रिवेणी घाट से काफी ज्यादा दूर है। लो गाइस ये है माँ गंगा, यहाँ पे आप भी दर्शन कर लो, और ये कुछ ऐसा नज़ारा है इस टाइम पे त्रिवेणी घाट का। 8:30 हो चुके हैं, जिद्द हटा दे हैं, हाँ तो जो नीचे तोड़ जो नीचे जा, अभी ये लोग उठ लग जाएगा, तुम नीचे गए थे। हाँ भाई यार इतना लिटरली इतने स्लिपरी हो रखा है, मैं गिरते गिरते बचाऊं, इसने तब तक वीडियो बंद कर दी थी, और ठंडा हो रखा भाई पानी बहुत ज्यादा। तो गाइस पूजा हमने कर ली है और माँ गंगा के दर्शन कर लिए, त्रिवेणी हम आरती नहीं देख पाए त्रिवेणी घाट पे, उसका थोड़ा सा रहेगा कि यार हाँ शाम को आरती होती इतनी प्यार से, वो नहीं देख पाए भाई। सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ है, सुबह घर से खाना खा के निकले थे, अब यहाँ पे थोड़े भेलपूरी खा रहे हैं चटपटा सा, थोड़ा मुँह भी कड़वा सा हो चुका है यार ट्रैवल कर करके, तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। सो गाइस ये खाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ से थोड़ा बहुत और घूमेंगे ऋषिकेश, और काफ़ी दूर भी है यार रूम हमारा, 8:30 के अराउंड में यहीं हो चुके हैं, उसके बाद फिर ऊपर निकलना है, तो देखते हैं लेट्स सी क्या सीन बनता है। मम्मी कॉल आ रही है। तो भाई ये आ गया अपना चार्ट, और ये है त्रिवेणी घाट, लेट्स एंजॉय दिस, और फिर मिलते हैं उसके बाद। एक ब्लॉगर आ रहा है देखिए, बहुत सब्सक्राइबर इसके, कौन है गाइस, कुछ इस तरीके से सीन है यहाँ पे, और यहाँ पे आई लव माँ गंगा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ी फोटोज वोटोज खिंचवाते हैं, और फिर उसके बाद फिर यहाँ से आगे निकलेंगे, एक एक करके फोटोज खिंचवाते हैं जल्दी, काफी भीड़ हो रही है यार यहाँ पे वैसे। हाँ यार चलो, योग नगरी ऋषिकेश में आपका स्वागत है। सो गाइस आ चुके हैं वापस से त्रिवेणी घाट से, गाड़ी कहाँ पे, लेट्स गो टू द रूम गाइस, बहुत हो गया अभी भटकना भटकना, 16-17 किलोमीटर वापिस भी जाना है जितना आए है ना भटकते भटकते, हाँ वापिस भी जाना है अब। तो गाइस अब आप लोगों को मैं सीधा रूम में मिलूंगा, तेल भी डालो। तो गाइस इसमें सुबह टैंक फुल करवाया था, उसके बाद से टैंक फुल नहीं करवाया हमने ना फ्यूल अप करवाया, तो अभी पेट्रोल पंप आ रखे फ्यूल अप करवा रहे हैं यहाँ पे बरवाते से, उसके बाद कैब निकलना है, और यहीं पे गाइस बहुत ही प्यारा सा गुरुद्वारा है, और गोल्डी भाई और को पता नहीं यार वो आगे कहाँ निकल गए, कैचअप कर लेंगे आप थोड़ी देर में, रास्ते में ही मिल जाएंगे हम कहीं ना कहीं, चलो बरवाते और निकलते फिर। गाइस वापस आ चुके हैं हम वापस से कैंप में, और यहाँ की रौनक देखो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, यहाँ पूरे ना कैंप सी कैंप से, पूरे जितना एरिया है ना वहाँ हर जगह कैंप सी कैंप से, वहाँ गाने बजने पे लगे हुए हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं, अभी हम भी जाके आराम से खाना वाना खाएंगे, फिर सोच रहे हैं थोड़ा डांस वांस करेंगे क्या सो जाएंगे, पर एक बात है गाइस यहाँ रौनक लगी पड़ी है यार, हर जगह कैंप सी कैंप से ना फुल रौनक लगी पड़ी है यहाँ, तो वापिस आ चुके हैं अभी कैंप्स पे, थोड़ा सा ये यहाँ से कैंप अपना पहुँचते हाथ में धोते, यार सिर दर्द होने लग गया मेरा तो कसम से, गाड़ी चला चला के बैंड बज चुकी है, लेट्स सी। तो गाइस वापिस आ चुके हैं यहाँ कैंप, देख सकते हो अपना ये चीनो घड़ा, पर फोटो खींच दे मेरी,
और अबे यार एंड करने दे वीडियो बस। तो गाइस ये वाली वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर आपका कल ही दिखाएंगे। अभी खाना वाना खाएंगे, खाना खा के फिर सो जाएंगे। सो ये वाला वीडियो यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहो, राइट करो, ओके गाइस, बाय बाय।